हो चुकी है बहुत ही ज्यादा तेज बारिश। दोस्तों सडन चेंज ऑफ प्लान हमारा हो चुका है, पहले हम जाने वाले थे जसूर, लेकिन अब हमने नैनीखट से वाया बनीखेत के लिए अपनी बाइक मोड़ ली है, जो कि यहाँ से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये नज़ारे इतने प्यारे, और मौसम ने इस वक्त ले ली है करवट, और मौसम की इस करवट से जो यहाँ का माहौल है वो बहुत ज़्यादा खुशनुमा हो रखा है, और ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ पे बहुत प्यारी ब्लो करते हुए, और यहाँ पे अभी हल्की हल्की ठंड भी महसूस होने लगी। हमें बहते हुए पानी की धारा दिखी, और इसके जो आसपास का जो नज़ारा है आपके सामने कुछ इस तरीके से प्रस्तुत है। ये चीड़ के पेड़ हिमाचल की सुंदरता को और निहारते हुए, और ये पूरा ही रास्ता, और जो ये रास्ता जा रहा है ये धलौजी की तरफ जा रहा है, और ये जो पंजपुरा ये जगह का नाम है, और यहाँ से जो ये वाटर, कुछ लोग वहाँ पर जाके अपना टाइम व्यतीत कर रहे हैं नेचर के साथ, बहुत ही शानदार लोकेशन है। बादलों ने धलौजी की पहाड़ियों को अपनी आगोश में ले लिया है, और मानो ये कुदरत का जो नयातम नज़ारा जो हमारे सामने इस टाइम प्रकट हो रहा है वो देखने में बेहद प्यारा। बारिश होने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कुदरत ने अपनी खुद चित्रकला प्रस्तुत कर दी हो हमारे सामने। इस लोकेशन पे मैं अभी रुका हुआ हूँ, ये एक कैफे सा दिखा, तो यहाँ पे फिलहाल अभी हम अपने चाय चुई पी रहे हैं, और ये काफ़ी क्लोज है नेचर के, और ये पूरा ही रास्ता आपको धलौजी यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है, खजियार 32 किलोमीटर दूर है, चंबा 50 किलोमीटर दूर, और किलाड़ 215 किलोमीटर दूर, और ये नज़ारे इतने प्यारे देखिए। इसी के साथ बनीखेत क्षेत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। लो जी, यहाँ से रह गया है मात्र 6 किलोमीटर दूर, और ये जो नज़ारे हैं, क्या कहते हैं ये नज़ारे, कुछ तो कहते हैं, और नेचर की सुंदरता को बहुत अच्छी तरीके से बयां भी करते हैं। यहाँ पे पूरा ही रोड एकदम खाली पड़ा हुआ है, जब रोड्स खाली होते हैं, लोग कम होते हैं, तो आप किसी भी जगह को बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही करीब से जाके एक्सप्लोर कर पाते हैं। धलौजी की यहाँ से शुरुआत हो चुकी है, और धलौजी क्षेत्र में प्रवेश करते के साथ ही हमारा जो स्वागत है वो ठंडी ठंडी हवाओं ने कुछ इस कदर किया है कि क्या ही कहने। और यहाँ से खजियार की दूरी मात्र 24 किलोमीटर पे स्थित है। तो 9-10 साल बाद पहुँचने की खुशी धलौजी में मेरे चेहरे पे ही जाहिर हो रही है, और लास्ट टाइम जब हम आए थे तो भैया हमें यहीं पे मिले थे, और आज भी अगर मैं आया हूँ तो भैया के साथ आया हूँ, और जो मैं 3:30 के आसपास का हो चुका है, और पीछे बादल ही बादल है जैसे कि आप देख रहे होंगे, और ये आई लव धलौजी पॉइंट, और यहाँ पे पहुँच के जो सुकून मिल रहा है और क्या ही कहने। कैमरा करके मैं आपको लोकेशन दिखाने वाला हूँ, धलौजी की मेन मार्केट में खड़ा हुआ हूँ मैं इस टाइम पे, यहाँ पे कुछ ऐसा है, और पीछे मेरे बादल ही बादल है। ये हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फ़ोटो, धलौजी के यहाँ का नज़ारा जो बेहद प्यारा है, सिर्फ और सिर्फ बादल ही बादल है, हर जगह कुछ नहीं दिखेगा आपको कुछ भी वहाँ पे। ओहो, कुछ इस तरीके से प्रकृति के बहुत ही न्यूनतम नज़ारे हैं, और ये बादल कुछ इस तरीके से यार जाते हुए, कुछ नहीं दिख रहा आगे का कुछ भी, बड़ा ही प्यारा नज़ारा यार, बहुत ही प्यारा। रास्ता धलौजी की मार्केट की तरफ जा रहा है, और ये मिड पॉइंट है धलौजी का, ये हॉर्स राइडिंग भी होती है यहाँ से। फिलहाल हम अपने बाइक की तरफ, और यहाँ से अभी हम आगे निकलते हुए अभी फ़िलहाल कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, हम कहाँ जाएंगे, क्या करना है आगे का, कुछ प्लान डिसाइडेड नहीं है, सारा कुछ ही अनप्लान चल रहा है। तो दोस्तों फिलहाल समय आ गया है, हम धलौजी और जो यहाँ के पहाड़ों की सुंदरता है उसको अलविदा बोल के अब वापस अपने की ओर प्रस्थान करेंगे। तो बहुत ही मन मोह लेने वाले दृश्य हमें दिखाई पड़े, और बारिश होने के कारण बादलों ने अपनी आगोश में ले लिया था इन पूरे ही धलौजी की पहाड़ियों को, और मौसम बहुत चिल्ड, बहुत चिल्ड, साल भर ऐसा ही कुछ मौसम रहता है यहाँ पे धलौजी में, और सारा ही जंगली एरिया है ये, यहाँ पे शाम के टाइम पे भालू का यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डर लगा रहता है। ओहो माहौल देखो यार, बादलों की वजह से कुछ नहीं दिख रहा कुछ भी,
इतना प्यारा नज़ारा है यहाँ का, क्या ही कहने। और यहाँ पे रास्ते के बीच में अभी हम रुके हैं और मेरे जस्ट पीछे देखिए भाई, एक झरना सा बह रहा है जहाँ पे मैंने अभी मुंह हाथ धो लिए हैं और पानी भी पी लिया है क्योंकि बहुत प्यास लग रही थी और बॉडी हो रही थी डिहाइड्रेट, तो पानी पी लिया है। यहाँ से अब जाएंगे, एक चाय ब्रेक लेंगे आगे चल के, देखते हैं कितनी दूरी पे जाके लेते हैं हम चाय ब्रेक। हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश और फिलहाल अभी हम एक शेड के नीचे चरण लेते हुए, ये हमारा नन्ना सा दोस्त भी यहाँ पे शेड के नीचे, बहुत ही ज़बरदस्त बारिश है भाई, पानी भर चुका है हर जगह पे, तो ना हम आगे जा सकते हैं ना हम पीछे जा सकते हैं, अभी हम बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं यहाँ पे। फिर दोबारा से बारिश में फंस चुका हूँ भाई, ढाबे पे रुका हूँ फिलहाल इस टाइम पे, बड़ी ख़तरनाक है यार बारिश और पूरा ऑलरेडी भीग चुका हूँ मैं। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं अपने घर और जिस वेदर में हम आए पूरी ही रास्ते हमें सिर्फ और सिर्फ बारिश मिली, और अब मैंने मतलब कुदरत का ऐसा रौद्र रूप देखा जो शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि हर रास्ते पे जाते हुए हमें सिर्फ और सिर्फ लैंडस्लाइडिंग, दे स्लश, और जो पानी था वो घुटने घुटने तक भर चुका था जिसके कारण हमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और फिलहाल अब घर पहुंचने की जो खुशी है वो बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि पहली बार इतने ख़तरनाक वेदर पे जहाँ पे लाइटनिंग हो रही थी हम बच बुचा के और लैंडस्लाइड प्रोन एरिया से होके हम घर पहुंचे हैं। तो भाई मैं शायद क्या ही बोलूँ, कपड़े, फ़ोन, कैमरा, सब जितनी भी चीज़ें मेरे पास थी वो सारी की सारी ही गीली हो चुकी थी, कुछ नहीं बचा था कुछ भी। तो मैं होप करता हूँ भाई कि आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि आज मेरे पसीने छूट के पहली बार लाइफ में इतना ख़तरनाक वेदर में हमने राइडिंग करी है और ना इस टाइम पे हमारे पास राइडिंग सूट ना कुछ। तो मिलते हैं अगले दिन, होप करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो बताइए, लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, धन्यवाद। और मिलते हैं ऐसे किसी और एडवेंचरस ब्लॉग में, बाय।